देने से डरता नहीं, घबराता नहीं। आज मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी सुबह से, ऊपर से ये लंबी इंट्रोडक्शन दे दी मैडम ने, और सबसे बुलवाया भी सबसे एंड में, सबको सुन चुके हो। यहाँ जब मैं आया, जब मुझे विनय सरस्वती बुद्ध जी का फ़ोन आया कि आपको इस फंक्शन पे प्रमुख अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, तो मेरे दिमाग में चला कि इस तरह की गोष्ठी में, इस तरह के नाम से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते होंगे। और ये बात सही है। आज जब गाड़ी मुझे लेने आई, जो मेरा सिक्योरिटी का, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट दिख रहा था। मेरा ड्राइवर भी बड़ा जानकार आदमी था, जो मुझे लेने आए बाहर, वो भी बड़े पढ़े लिखे लग रहे थे। इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। ये सब मैंने काम किया है, 532 फिल्में या ये सब किया है, मगर अंदर से दिल धड़क रहा है। उसके बहुत सारे कारण, क्योंकि तो मैं एक टेंशन तो निकाल देता हूँ कि आप लोग समझते हैं कि ये कोई इंटेलिजेंट बात करेगा, तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं करूँगा, अब मैं रिलैक्स हो गया। दूसरी बात ये भी टेंशन रहती है कि इनकी स्पीच पे तीन बार ताली पड़ी, उनकी स्पीच पर चार बार ताली पड़ी, तो मेरा एक काम करिए, आप पहले ताली मार दीजिए, मुझे लगा मेरे काम पर भी ताली पड़ जाएगी। नहीं तो मुझे लगेगा अभी मैंने बोला इतना अच्छी बात बोली, ताली पड़ी नहीं, तो अब मैं रिलैक्स हो गया। तो आप इस प्रेक्षागृह में, इस ऑडिटोरियम में ज्ञान का भंडार है। हर इंसान, चाहे वो मंच पर बैठा हो, चाहे वो ऑडिटोरियम में बैठा हो, पढ़े लिखे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कमिंग टू ए फंक्शन लाइक दिस। नाम बड़ा अच्छा है, चतुरंग प्रतिष्ठान, लगता है कि बहुत सोच समझ कर इस पे पीछे पूरी तरह से डिस्कशन करके रखा होगा। फिर नाम का पुरस्कार का नाम है जीवन गौरव पुरस्कार, और उसके लिए चुना किसे हैं? आप तो मुझे बता रहे थे कि ये चयन प्रतिथि हुई, ये हमने सोचा, फिर इसके बाद हमने ये पद्धति अपनाई, फिर हमने ये सोचा। इसमें इतने सोचने की बात ही नहीं है। जब राजदत्त जी हों तो हर पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। आप लोग भी चाय वाय पीने के लिए बैठे होंगे कि चलो हम डिस्कशन करते हैं किसको देना है। उनकी जो जीवन का पूरा जो उनका उल्लेख है और किस तरह से उन्होंने काम किया, एक तो मैंने वो ऑडियो विजुअल में देखा, उससे पहले मेरे दोस्त मनोज जी ने मुझे बताया कि कैसे वो काम करते हैं, किस पद्धति से काम करते हैं। मंदिर में शूटिंग करते हैं तो सो जाते हैं, और कहीं पर भी काम करते हैं उस तरह से करते। तो इस तरह की निष्ठा और इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। और उसी तरह से पूरा जीवन व्यतीत करना, इस प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें लगता है एक्साइटिंग लगती हैं कि अब मैं शॉर्टकट ले लूँ सक्सेस का, मैं किसी और तरीके से कुछ कर लूँ, मगर टू स्टे कनेक्टेड विद द वर्क फॉर सच ए लॉन्ग टाइम एंड विद द सेम सिंसेरिटी, तो वो अपने आप में गौरव की बात है। तो आज आपने इस पुरस्कार का गौरव बढ़ाया है आपने राजदत्त जी, ये पर स्वीकार कर। इस तरह के जो हस्ती होती है वो बहुत प्रेरणा का स्रोत होती है। जब आदमी इंसान 60-65 का पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं प्रेरणा का स्रोत कहाँ ढूंढूं। ऑफकोर्स यंग लोगों से भी प्रेरणा मिलती है, राह चलते इंसान से भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन अपनी फील्ड का कहाँ से ढूंढूं, जो ना केवल काम में अच्छा है बल्कि कैरेक्टर चरित्र को लेकर भी अच्छा है। तो उसमें भी आप अव्वल नंबर पर आते हैं कि अगर मैं आपके काम का आधा हिस्सा भी कर लूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगा। और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं आया। मैंने 3-4 पॉइंट लिखे थे, जब उनको अवार्ड देना था वो एक आदमी मेरा पेपर लेके चला गया। मैंने कल मर गया मैं, अब क्या करूँ। तो मैंने उनसे भीख मांगी, मैंने कहा पेपर दे दे भैया, 2-3 पॉइंट लिखे हैं मैंने। थैंक यू भैया जी जो भी मेरा पेपर वापस लेकर आया। ऐसा कुछ जिसमें मैंने श्लोक नहीं लिखे हुए, मगर 2-3 लाइनें लिखी थी जो मैं बोल चुका हूँ, अभी मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। तो काम के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, और 92 की उम्र कुछ नहीं होती है, ये आपको देख के महसूस हुआ मुझे।
आदमी को लगता है कि 65 साल का हो गया, आप कितने साल और हैं, मगर इनको देख के मुझे लगा बहुत साल और हैं। फिर इनको मैंने खाते देखा, मैंने कहा वाह ये तो कटलेट भी खा रहे हैं, ये सैंडविच भी खा रहे हैं, तो और भी प्रेरणा का स्रोत हो गए मेरे लिए। मैंने कहा मैं यहां तक पहुंच के मैं भी ऐसे ही जीऊंगा, तो मैं ऐसे ही जीऊंगा, मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं। वो आप छड़ी लेकर जरूर आए हैं, पर वो कैरेक्टर के साथ है, वो आपके साथ नहीं है। वो छड़ी जो है वो प्रॉपर प्रॉप लेकर आए, प्रॉपर्टी नहीं। ये 3 लाख रुपया बहुत अच्छी सामग्री है और बहुत अच्छी राशि है, मगर मैं इस के साथ कैसे जुड़ना चाहता हूं, मैं इस प्रतिष्ठान के साथ कैसे जुड़ना चाहता हूं। मैं एक्टिंग का स्कूल चलाता हूं पिछले 17 सालों से, मुझे एक्टिंग से ज्यादा टीचिंग में मजा आता है। टीचिंग में जब मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूं अपनी अलग अलग शूटिंग पे, और मुझे कहते हैं कि मैं एक्टर प्रिपेयर से हूं और मैं आपका स्टूडेंट था 2008 बैच का, 2012 बैच का, तो मुझे उससे ज्यादा गर्व की जो भावना है, फीलिंग जो है, वो कभी महसूस नहीं होती है। तो मैं ये भी सोचते सोचते डर रहा था कि क्या मैं इस राशि में अपने स्कूल की तरफ से थोड़ी राशि मिला सकता हूँ हर साल के लिए। तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसमें हर साल 2 लाख रुपया जोड़ना चाहता हूँ और इसको 5 लाख की सामग्री बनाना, और वो इसी साल से, सर जी आपको भी इसी साल से दे रहे हैं, और वो हमारा सम्मान होगा, मेरे स्कूल का सम्मान होगा, मेरे टीचर्स का सम्मान होगा, उन तमाम एक्टर्स का सम्मान होगा जो हमारे स्कूल से निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस पर सोचिए, इस पर आप जरूर गोष्ठी करिए कि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा आपने किया। दूसरी बात, आपने अभी बोला कि जब ये अपना 100 ईयर्स के हो जाएंगे, भगवान 100% 100 ईयर्स का होगा, 8 साल हैं उसमें, 8 साल बाद अगर आपने सोचा कि मैं इस पर पुरस्कार के योग्य हूं, तो मैं वो पुरस्कार राज दत्त साहब से लेना चाहूंगा। और ये हो ना, आप ही होंगे यहाँ पर, 8-8 साल आगे होंगे थोड़ा सा, पर आप बैठे होंगे, क्योंकि इन्होंने लिस्ट गिनाई इतनी लंबे लोगों की, इसको भी पुरस्कार मिला, मैंने कहा इसको भी मिल गया है, इसको भी मिल गया, मुझे क्यों नहीं दिया है इन्होंने आज तक। बट मेरे जो है प्रारब्ध में, मेरे जो किस्मत में है, ये अवार्ड 8 साल बाद है, उससे पहले देना सोचना भी मत। मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज मत देना मुझे, मैं उन्हीं के हाथों से लूंगा और ये होके रहेगा। तब आप इस तरह बैठे होंगे साइड पे, मैं बीच में बैठा होऊंगा, वही एक तरीका बीच में बैठने का। तो ये मैंने भविष्यवाणी कर दी जो ये पूरी होके रहेगी। बाकी आपका आशीर्वाद और आपकी हंसी कितनी खूबसूरत है, वो दिल तक पहुंचती है, दिल से निकलती है, आंखों तक पहुंचती है। कहां इतने सारे लोग कहां मिलते हैं आजकल जो हंसते भी दिल से। आजकल तो हर चीज इमोजी में हो गया है, लाफ्टर इमोजी, स्माइल इमोजी, हग इमोजी। तो आज मैं राजदत्त जी को हग जो दूंगा वर्चुअली नहीं दूंगा, इमोजी से नहीं दूंगा, जाकर उनको गले लगाऊंगा, उनके पांव छूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।